इस वक्त ही बड़ी खबर आ रही है सिवनी से। सिवनी में भ्रष्टाचार के मामले में रोजगार सहायक को अब बर्खास्त कर दिया गया है। जी हां, देवीलाल उइके की सेवा अब समाप्त कर दी गई है। ग्राम पंचायत बावली में पदस्थ थे देवीलाल उइके। इसी से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए चलते हैं सिवनी से हमारे संवाददाता उत्तम जी के पास। उत्तम जी, क्या है पूरा मामला, बताए दर्शकों को। जी भूमिका जी, आपको मैं बता दूं कि पूरा मामला खबर मध्य प्रदेश में प्रमुखता से फैलता है, क्योंकि यह ग्राम पंचायत लखनऊ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बावली का है, जो कि ग्राम पंचायत सहायक रोजगार ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं फर्जी जियो टैग के मामले में एवं पौधारोपण के मामले में फर्जी मास्टर जारी करते हुए सरकारी राशि का दुरुपयोग करते हुए इनको सेवा समाप्ति की गई है, जो कि नवागत सीओ अखिल श्रीवास्तव ने की आज ही सेवा समाप्ति की है। इस खबर को प्रमुखता से खबर मध्य प्रदेश ने ही उठाया था। जी जी, क्या रोजगार सहायक पे और भी कोई मामले दर्ज है? भूमिका जी, मैं आपको बता दूं कि जियो टैग के फर्जी मामले को लेकर जिला पंचायत और जनपद पंचायत सीओ ने सात दिन की जांच के लिए टीम गठित की थी, जिसका यह परिणाम सामने आया कि यह सत्य हुआ कि सहायक रोजगार ने सरकारी राशि का दुरुपयोग करते हुए उसका दुरुपयोग किया है। उस मामले को लेकर आज जनपद पंचायत सीओ ने इनको सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया है। जी, जो रोजगार सहायक है देवीलाल उइके, इनकी सेवा किसके द्वारा समाप्त की गई है? यह इनकी सेवा समाप्ति का जो लेटर मेरे पास अभी आया है भूमिका जी, मैं आपको बता दूं, जनपद पंचायत सीओ अखिल श्रीवास्तव ने यह लेकर जारी किया है, जो कि उसमें साफ दर्शाया गया है क्योंकि सरकारी राशि का दुरुपयोग करके इनकी सेवा समाप्ति की गई है। जी उत्तम जी, आपको क्या लगता है कि सेवा समाप्त के बाद भी देवीलाल उइके की गिरफ्तारी हो सकती है? ये जांच का विषय मैडम, अभी मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर, हालांकि ऐसा भी कोई मेरे को पूरी पुख्ता जानकारी नहीं कि इनके ऊपर कोई मामला बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है कि सेवा समाप्ति के बाद इनको सेवा समाप्ति उपाधि के ऊपर सरकारी रकम वसूली की जाती है। हालांकि इस संबंध में जिला पंचायत सीओ ने पूर्व में अवगत कराया कि आप इसकी जांच करके मुझे जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें, उसके आदेश को करते हुए जनपद पंचायत सीओ ने इनकी सेवा समाप्ति की है। जी उत्तम जी, देवीलाल उइके द्वारा किस तरह का भ्रष्टाचार किया गया था? आपको बता दूं भूमिका जी, देवीलाल उइके सहायक रोजगार बावली, जो कि फर्जी मस्टोल अपने ही परिवार के नाम से जारी करने के मामले में इनको यह नोटिस 2-3 बार इनको जारी हुआ था, जो कि जांच में सही सहयोग नहीं करने पर जांच टीम गठित की गई थी। जी, जो कि जांच टीम में यह साबित हुआ कि यह सिद्ध हुआ है कि यह गलत हुए हैं और इन्हें सरकारी राशि का दुरुपयोग किया है। जी उत्तम जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद।